वैसे तो आपके पैनल में से भी लोग जो है ना जल्दी पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करते हुए दिखाई देंगे. अच्छा, बोर्ड ज्वाइन करते दिखाई देंगे. अरे वाह, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि आप इतने बड़े क्राउड को खामोश करवाएं. तो ये भी अरे अगर मैं क्विकली शुएब जट से पाकिस्तानी क्रिकेट का भी वो जब अभी बासिम ने कहा कि कहां गई नहीं अभी ऑल इंडिया ये जो मैं भी ये पढ़ा था कि भाई ऑफिशियली अभी तक अगरचे हफीज डायरेक्टर बन गए हैं लेकिन ब्रैडमन और विकी आर्थर ये ऑन पेपर अभी भी हैं, टीम के साथ जाएंगे नहीं लेकिन हैं, क्योंकि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के पास तो राइट नहीं है कि किसी को सैक कर सके और इन्होंने रिजाइन किया नहीं है. तो अब ये कब तक रहते हैं सौदे में पता नहीं है कुछ ऐसा. अच्छा, है ये सारे लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. देखें, इन हाउस तब्दीलियां क्यों नहीं हो सकती, किसी का रोल जो है कहीं पे भी हो सकता है. महदूद इख्तियार नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं इस कुर्सी पे आ जाऊँ, ये इस कुर्सी पे आ जाए, इसमें क्या मसला है? आजा, आजा. तो उनको मिसाल ले रहे समझाने के लिए. मसलन जी 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 क्या हो गया? उनको जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया गया, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी ईस्ट इंडिया कंपनी बकोल मिकी आर्थर ग्रांट मेडबर्न, उनको हटाया नहीं है, उनको वहां पे भेज दिया. क्योंकि हटाते ना तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना था. उनके कॉन्ट्रैक्ट इतने खौफनाक किए गए थे कि जितने रिमेनिंग पैसे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं वो सारे देने पड़ते. अच्छा. तो इसलिए अब उनका रोल जब चेंज कर दिया गया है, जब उनको काम करना पड़ेगा तो और वाकई ही काम करना पड़ेगा तो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे. आज क्या क्या नई नामजदगियां हो गई हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा हुआ, इंडिया ने राहुल द्रविड़ को अपनी अंडर 19 क्रिकेट में रखे, वो उनके ग्रेड्स थे, तो उसका नतीजा ये निकला. आज उनके देखिए 15 के 15 मैच विनर हैं. पाकिस्तान ने पहला राइट डायरेक्शन में स्टेप उठाया है कि मोहम्मद यूसुफ को लगा दिया है अंडर 19 के साथ. तो अब यकीनी तौर पे वो डेवलपमेंट का वो काम करेंगे कि अगले वर्ल्ड कप पे जब हम बात कर रहे होंगे. हाँ. तो हम भी ये बात करेंगे कि हमारे 15 बेंच पे अगर ये 3 साल टिके रहे. हाँ. कि 15 बेंच पे हमारे अभी तो 3 महीने के लिए. वैसे तो आपके पैनल में से भी लोग जो है ना जल्दी पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करते हुए दिखाई देंगे. अच्छा, बोर्ड ज्वाइन करते दिखाई देंगे. अरे वाह, कसौटी हो जाए मर्द जिंदा क्रिकेट से. सॉरी सर, ये मैं आपसे तो ये उम्मीद नहीं. अरे मैं कसौटी कसौटी ऐसी होती है मर्द जिंदा किस शोबे से. भाई 3 सामने बैठे हैं. सॉरी मैं तो बोला, सॉरी बोला, वैसे 2 है. बहुत बुरी बात है, वसीम भाई नहीं किया. वैसे इन दोनों में से मैं आज पहले भी बोल चुका हूँ, मैं और ज्यादा बीमार नहीं होना चाहता. अच्छा, नहीं नहीं, ये देखिए अब मुश्किल और आसान हो गया. नहीं नहीं, सॉरी, आपने हाय ना में जवाब देने. क्या वो शख्सियत विकेट कीपिंग कर चुकी है? नहीं, मैं तो कहूंगा वो शख्सियत ब्लैक कोट में है. काम ही यही है, बातों का इधर उधर लेके जाना. ये वाला प्रोग्राम, ये प्रोग्राम रखिएगा संभाल के. नहीं, वो तो नहीं बोले, इसलिए हम संभाल रहे हैं प्रोग्राम. इस बोर्ड के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता. एक जर्नलिस्ट का आपने आपसे सीखा है, एक जर्नलिस्ट ना अपने सोर्स बताता है और ना जब तक कोई काम हो जाए उसके बारे में जिक्र करता है. तो मैंने इशारा देना था, दे दिया. तीनों में तो कोई भी हो सकता है. शेयर ने इशारा दे दिया. ये इशारा दे रहे, इशारा नहीं दो. अच्छा सुने, उसने मुझे इशारा दिया. आप इशारा ना दे, इशारा ना दे मुझे अपनी. ये इशारा दे रहे, मैं कंफर्म बात. नहीं 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 नहीं, अच्छा बातें जब हो तब आपका नाम प्रेस. ये जर्नलिस्ट हैं, देखें तब आपका नाम प्रेस रिलीज में. ये इशारा से बोलते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं. मैं कह रहा हूं फिर आप चले. नहीं नहीं नहीं, आगे चले. अच्छा कहा भाई, खामोश खामोश सिपाही. कामरान के लिए बहुत सारी तालियां बजा दे. अच्छे विकेट कीपिंग ये आपसे सर. मैं वसीम भाई आपसे मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. क्या माइंड गेम्स खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन. अपनी स्लेजिंग के हवाले से, जुमले तल्ख जुमले बोलने के हवाले से, थोड़ा मिसबिहेव करने के हवाले से हमें तो साव है, बहुत मशहूर है. स्ट्रेट गाड़ लिया, स्ट्रेट. अच्छा, बासे वगैरह हमने साव है, स्ट्रेट गालियां हम लोगों ने भी, लेकिन अब बहुत सख्ती है. अब एसओपी इतने सख्त हैं कि आपको स्ट्रेट गालियां फाइन सारा कुछ देना पड़ता है. अब वो आदि की तरह हंसते हुए देते हैं. क्रिकेट की दुनिया मैं तो कहूंगा ऐसे एक नाखुशगवार मंजर देखा. भाई गलत किसी के साथ भी हो सो गलत कहना चाहिए. मैं तो गलत समझ कि वो आई थिंक 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी थी मुंबई में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जब वेस्ट इंडीज को हराया था ऑस्ट्रेलिया ने, और रिकी पॉन्टिंग उस वक्त कैप्टन थे. इंडिया में हो रहा था, इंडिया के बीसीसीआई के सरबराह उस वक्त शरद पवार, और वो ट्रॉफी लेके खड़े थे. और वो उनको रिकी पॉन्टिंग ने, मतलब मैं कहूंगा मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया जब जिस तरह उन्होंने बड़े अजीब तरीके दिखा सकेंगे दिखाइएगा भी इशारा किया कि भाई ये ट्रॉफी दो. और उसके बाद उनको भी ठीक है चले जाना चाहिए था, लेकिन बाकायदा नहीं गए तो एक कर्टियस में भी बात होती है. बाकायदा ऑलमोस्ट पुश किया.